और अगले दौर में प्रवेश करेगी। रुकआउट के लिए क्षमा चाहोगे रामलाल जी, और प्रीत राज से इससे पहले जो मैच आप लोगों ने देखा था आलोक एंड आलोक बनाम एमजीआर मेरलगढ़ा के बीच में जो मुकाबला रही, उस मुकाबले में शानदार गोल का प्रदर्शन किया और मैन ऑफ द मैच का हकदार है। और थोड़ा सा मैं आपका नाम जानना चाहूंगा दोस्त। संदीप। आप पूरा नाम बताएं? मेज। संदीप मेज। आप मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कमेटी के वरिष्ठ श्री बुधराम बालमुचू जी के सुबातों से पुरस्कार दिया जा रहा है। फोटो सेशन होना चाहिए। कंट्री रामलाल जी। हेलो जिया सूरज लेकर चलते हैं तमाम दर्शकों को मैदान की ओर, जहां पर दोनों ही टीम एक बड़ी टीम में से जानी जाती है मनीष लेबेन बनाम गैलेक्सी ब्यूटी की टीम। और गैलेक्सी ब्यूटी की थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा। सूरज जी एक बड़ी टीम है जिस टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करती है, कहीं ना कहीं उनका सफर सेमीफाइनल या फाइनल में जरूर रहती है, लेकिन देखते हैं आज इस कुटिलता के सरजमी पर उनका क्या रोल अदा करता है, क्या दूसरे जगह की भारतीय इस मैदान में भी उस इतिहास को यहाँ पर दोहरा पाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी ओपनिंग टीम जो एक बेहतरीन टीम है मनीष लेबेन वो कड़ी टक्कर देगी। और बिल्कुल इस मैच का संचालन करते हुए एक अनुभवी रेफरी जो कि मुख्य रेफरी का किरदार निभाते हुए मैं बता दूं, आप सबों को अवगत करा दूं, काफी मैदानों में नहीं बल्कि इस मैदान में देखा गया लगातार शुरुआती क्षणों से उनकी अहम भूमिका रही है। उनका भी मैं परिचय देना चाहूंगा जो कि मिस्टर है विक्रम हासदा। और जरूर यहाँ पर एक बेहतरीन खेल चलता हुआ और आज द्विदिवसीय स्वर्गीय समीर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट आज धीरे धीरे अपने समापन की ओर अग्रसर है। तमाम दर्शकों को पुनः मैं रामलाल गौर तथा साथ साथ मेरे साथ जुड़े हुए मजगांव क्षेत्र का काफी चर्चित कमेंटेटर सूरज बिरुली की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। और आने वाले समय में यहाँ पर देखा जाए कल की भांति सूरज जी अभी तो एक साइड यहाँ पर तमाम दर्शकों का यहाँ पर जो आनंद ले रहे हैं, लेकिन कल आप 3 या 4 बजे का जो समय था बिल्कुल चारों दिशाओं में यहाँ पर मैदान में तीन रखने की जगह नहीं थी, शायद वो दृश्य यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ेगी आज भी इस मैदान में। थैंक यू सर, बिल्कुल आपने सही फरमाया। वर्तमान के मैच का संचालन करते हुए मिस्टर विक्रम हासदा फ्रॉम सरायकेला खारसावा, उनके साथ में नजर आ रहे असिस्टेंट रेफरी सहायक रेफरी एआर1 पर देखा जाए मिस्टर विकास कुमार कुचाई, और एआर2 पर नजर आ रहे हैं मिस्टर दशरथ हासदा सरायकेला, और फोर्थ रेफरी पर भूमिका अदा करते हुए अनुराग जी सुभाष जी और डी के सर जी। और शुरुआती चरण का मुकाबला जारी है एक बेहतरीन तरीके से, तो देखते हैं गैलेक्सी ब्यूटी और मनीष लेबेन के बीच में कौन सा टीम किसके लिए हावी पड़ेगी। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा इस मैच के बाद भी एक बड़ा मुकाबला किया जाएगा। मैं अवगत कराना चाहूंगा आप तैयार रहेंगे गागरा स्पोर्टिंग क्लब जमशेदपुर। जी हाँ, गागरा स्पोर्टिंग क्लब जमशेदपुर बनाम लोकेश ब्रदर्स। इधर दल के टीम कप्तान से मैं अनुरोध करना चाहूंगा चाहूंगा कि आप तैयार रहेंगे। और यहाँ पर शायद एक खिलाड़ी थोड़ा सा इंजुरीड होते हुए कमिटी स्टॉपेड फास्ट एड बॉक्स की आवश्यकता हो सकती है, ध्यान देंगे। रामलाल जी थोड़ी सी मैच रुकी हुई है, आप कल्पना कर सकते हैं। जी हाँ, शायद यहाँ पर तो गंभीर मामला जैसी लग रही है और वहां पर उस इंजुरी के साथ जुड़े हुए हैं वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर।
बातें कर रहे थे कि छोटी छोटी गलतियों को आप संभाल कर खेलें, अपने आप को बचा कर खेलें, क्योंकि खेल का दरमियान खेल के मैदान में जो भी घटना घटती है रामलाल जी, तो कमेटी तो रिक्स नहीं ले सकती है, लेकिन हालांकि उन्हें पास्टेट की पूरी व्यवस्था दे सकती है। जी हाँ, अगर गंभीर इंजरी हो जाती है तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि कम से कम संभाल कर खेले, जानबूझकर ऐसा गलती ना करें जिससे आपको शारीरिक रूप से ज्यादा कष्ट झेलना पड़े। लेकिन इस बीच एक बड़ी टीम, इसके बाद जो एक रहेगा वो बड़ी टीम गागराई स्पोर्टिंग क्लब जमशेदपुर बनाम लोकेश ब्रदर्स बनाम गागराई स्पोर्टिंग क्लब जमशेदपुर। इस खेल के बाद बिल्कुल भी तैयार रहेंगे, और जैसे ही ये खेल समाप्त होती है आप अपने प्लेयर को लेकर मैदान में प्रस्तुत रहेंगे। सूरज जी क्या कहना चाहेंगे कि बड़ा मैच इस खेल के बाद जमशेदपुर की टीम इस सरजमी पर बेताब लग रही है अपने फुटबॉल की स्किल को दिखाने के लिए। हाँ बिल्कुल, अभी उनका मैच देखने के लिए इंतजार में है, और इस खेल के बाद उनका मुकाबला भी देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार गोल की प्यास है, मौका था लेकिन क्या करेगा, लेकिन इसी के साथ गोल। यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी गलती हुई है गोलकीपर के द्वारा, गोल को उन्होंने पकड़ लिया था लेकिन उनके हाथों से पुनः एक बार बोलने के लिए, और इनका भरपूर फायदा लेते हुए क्लब से ब्यूटी के खिलाड़ी ने गोल दागा शानदार। यहाँ पर डिफेंडर ने कोई गलती नहीं की, यहाँ पर थोड़ी सी गलती अपने टीम के खिलाफ एक स्कोर से आगे, जो कि क्लब से ब्यूटी है। और जी हाँ, जब भी आप इतनी बड़ी गलती करते हैं तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। सेकंड प्रयास में यहाँ पर गैलेक्सी ब्यूटी की टीम गोल करने में कामयाब रहा, और देखा जाए यहाँ पर एक बड़ी टीम है उनके विरोध, मनीष लेवल की टीम शायद यहाँ पर किसी भी समय वापसी करना चाहेगी इस समय लॉन्ग रेंजर शॉट का उपयोग करते हुए, और देखा जाए 6 नंबर के लिए, लेकिन बॉल को रोकने में असफल रहे पांच छोर तरफ से इस समय सुंदर बोल, 12 नंबर के प्लेयर 12 नंबर के द्वारा हल्की से पास वहां पर निकाल दिए हैं उनके राइट फॉरवर्ड के लिए, राइट फॉरवर्ड के खिले इस समय 10 नंबर के लिए बॉल को निकाल दिया 10 नंबर के द्वारा इस समय दूसरी गोल की खोज में, देखते हैं बनेगी जरूर। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे सूरज, यहाँ पर थोड़ी सी चूक, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बिल्कुल भी फ्री स्पेस में, केवल दिशा देनी थी बॉल को, वहां पर गोल हो सकती थी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, यहाँ पर जिस प्रकार से जर्सी नंबर 10 बाई ओर से अटैकिंग पोजीशन पर थे तो अपने उन्हें सपोर्टर की आवश्यकता थी, राइट विंगर अगर वहां पर मौजूद होते हैं तो यहाँ पर हमें दूसरी बढ़त देखने को मिल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बीच यहाँ पर मनीष सलेमन के खिलाड़ी को कुछ करना होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉल रेफरी को लगी है, और नियम के अनुसार जब भी बॉल रेफरी को लगती है तो यहाँ पर खिलाड़ी को 2 मीटर की दूरी में आप रह सकते हैं, और पहले हो सकती है पुनः एक बार खेल। हर साल नियम में बदलाव होती है और हर साल आपको नियम को जानना चाहिए खिलाड़ियों के साथ। और सूरज जी एक चीज कहना चाहूंगा, इस साल जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है 2021 में वो है हैंडबॉल जो फीफा के तहत 2021 में सबसे बड़ा अपने नियम में बदलाव किया है, और प्रत्येक साल जैसे आप जिक्र कर रहे थे फीफा के द्वारा खेल का नियम बदलती रहती है, अब जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको इन नियमों से अपडेट रहना चाहिए, तभी आप नियम के अनुरूप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे सर्टिफाइड रेफरी है झारखंड एसोसिएशन के एक चर्चित रेफरी है, हमारे वर्तमान के मैच को संचालन करते हुए जो कि विक्रम हासदा एक सराई क्लास से बिलोंग करते हैं, और उनके साथ में जो असिस्टेंट रेफरी है वो भी किसी से कम नहीं, उन्हें भी आप देख सकते हैं मिडिल रेफरी के तौर पर। लेकिन यहाँ पर दूसरी गोल की खोज में अनुप की कप्तानी, जर्सी नंबर 10 के लिए नेवल की 12 के लिए, यहाँ पर 10 नंबर के लिए बॉल बढ़ाया, 10 नंबर के खिलाड़ी बॉल तक पहुंचने से पहले असिस्टेंट रेफरी विकास जी का यहाँ पर कोरोना नहीं बल्कि गोल की का सिग्नल, और इसी के साथ रही मैं आपका
और फिर से लेकर चलते हैं मैदान की ओर जहां पर एक जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ देखा जाए तो यहां पर बोल साइलेंस से बाहर शुरुआती पल में यहां पर गैलेक्सी ब्यूटी की टीम पहले हाफ में एक गोल अर्जित करने में कामयाब रहा और देखा जाए तो वापसी करने के लिए पूरा बेताब लग रही है टीम मनीष लेवल की टीम लेकिन वापसी कर पाएगी कि नहीं ये काफी दिलचस्प रहेगा लेकिन इस खेल के बाद बिल्कुल भी तैयार रहेंगे गगराई स्पोर्टिंग क्लब जमशेदपुर बनाम लोकेश ब्रदर्स इन दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश रहेगा कि जैसे ये खेल समाप्त होती है आप अपने प्लेयर को लेकर मैदान में प्रस्तुत रहेंगे वो दोनों टीम है लोकेश ब्रदर्स बनाम गगराई स्पोर्टिंग क्लब जमशेदपुर और इस समय दो नंबर के लिए बोल को बना दिया है 16 नंबर के लिए 16 नंबर के खिलाड़ी वहां पर तैनात कहीं ना कहीं यहाँ पर दिशा से भटकती हुई टीम कुछ लय यहाँ पर दिखाना होगा कुछ अलग करना होगा तभी यहाँ पे अपने टीम पर दबाव बनाकर समानांतर की स्थिति में ला पाएंगे अन्यथा फिर आपका प्रयास बेकार रहेगा इसीलिए यहाँ पर कुछ सोच समझ कर खेलना होगा तभी आप अपनी टीम पर दबाव बना सकते हैं पांच छह तरफ से इस समय उनके जो गैलेक्सी ब्यूटी की टीम इस समय जो एक जीरो से लीड करती हुई 14 नंबर के लिए बोल को बढ़ाना चाह रहे हैं 14 नंबर के द्वारा फिर से वहाँ पर अच्छी पास से और बाई छोर तरफ से जब तक वहाँ पर बोल को जाते हैं वहाँ पर फाउल का सिग्नल आता हुआ जिसे पिशिंग होता फाउल कहा जाता है फुटबॉल के नियम से वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली और जरूर बाई छोर तरफ से थोड़ी सी 17 नंबर के लिए वहाँ पर बोल को निकाल दिए हैं यानी ज्यादा लंबी शो वहाँ पर प्रयोग नहीं किए हल्की सी बॉल के जरिए वहाँ पर बॉल को ओपन किए और फिर से वहाँ पर दाहिनी छोर तरफ से 6 नंबर के लिए बॉल को बढ़ाने का कोशिश करता हुआ देखा जाए तो फिर से 7 नंबर के लिए बॉल को माइनस कर दिए हैं और यहाँ पर दूसरी गोल की तैयारी करता हुआ 12 नंबर के प्लेयर 12 नंबर के द्वारा सुंदर स्किल दिखाता हुआ पर जरूर 12 नंबर के द्वारा ऐसा बॉल को बन सकता है लेकिन डिफेंडर वहाँ पर तैनात राजू नाग अपने जमाने के काफी चर्चित डिफेंडर इस समय भूमिका ने अदा करते हुए 11 नंबर के लिए इस समय काफी जोरदार शॉट वहां पर अनूप के द्वारा लेकिन दिशाहीन शॉट वहां पर लेकिन काबिले तारीफ और वहाँ पर 8 नंबर के लिए मुख्य डिफेंडर के पास बॉल मौजूद फिर से उनके स्ट्राइकर वहाँ पर मौजूद है पांच छह तरफ से एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने के बाद वहाँ पर दो खिलाड़ी मौजूद हैं फिर से वहाँ पर सुंदर पास कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर ब्यूटी ग्लास की टीम एक योजना के साथ अपना प्रदर्शन को अभी भी जारी रखे हैं 3 नंबर के प्लेयर द्वारा काफी लंबी पास इस समय 10 नंबर के लिए 10 नंबर के द्वारा वहाँ पर फिर से राजू नाथ अपने जमाने के चर्चित डिफेंडर 2 नंबर के प्लेयर द्वारा वहाँ पर फिर से सुंदर योजना 10 नंबर के लिए एक खिलाड़ी को कैरी ऑन में रखने के बाद 14 नंबर के द्वारा वहाँ पर बेहतरीन पास निकल दिए 16 नंबर के लिए 16 नंबर के प्लेयर पुनः थोड़ी देर वहाँ पर बॉल को होल्ड में रखने के बाद जब तक कि साथी खिलाड़ी को देते उनसे बॉल छीनी गई बॉल स्पर्श लाइन से बाहर जाती हुई फिर से यहाँ पर थ्रोइंग का मौका मिलेगी अपने टीम मनीष इलेवन के लिए मनीष इलेवन द्वारा इस समय दानी छोर तरफ से सुंदर योजना बनाते हुए बॉल को माइनस करना चाहा लेकिन असफल रहे अपने योजना के अनुरूप वहां पर बॉल को जहां देना चाहते थे वहां दे नहीं पाए लेकिन अभी भी खतरा बनी हुई है अपने टीम गैलेक्सी ब्यूटी के ऊपर और काफी लंबी शॉट वहां पर है डिफेंडर मोटे खेत के वहां पर बॉल को रोकने में सफल रहा 17 नंबर के लिए यहां पर मौका बन सकती थी अपनी टीम को समानांतर की स्थिति में लाने के लिए लेकिन वहां पर बाई छोर तरफ से फिर से अच्छी बॉल निकाल दिए हैं अनूप के लिए अनूप के द्वारा वहां पर बेहतरीन पास 12 नंबर के लिए 12 नंबर के प्लेयर वहां पर काफी तेज गति के साथ बॉल को क्रॉस डालने का प्रयास लेकिन सही दिशा नहीं प्रयास वहां पर जरूर किए थे लेकिन सही दिशा नहीं ऊंचाई के साथ बॉल चली गई है साइड लाइन से बाहर लेकिन इस खेल के बाद बिल्कुल भी आमंत्रित करना चाहूंगा वो टीमें हैं गगराई स्पोर्टिंग क्लब जमशेदपुर बनाम लोकेश ब्रदर्स इन दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश रहेगा
जैसे ये खेल समाप्त होती है आप अपने प्लेयर को लेकर मैदान में प्रस्तुत रहेंगे। ओटी में है गागरा स्पोर्टिंग क्लब जमशेदपुर बनाम लोकेश ब्रदर्स और इस समय दो नंबर के प्लेयर है। एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने के बाद जब तक कि साथी खिलाड़ी को देते अपने टीम के डिफेंडिंग वहां पर तैनात 12 नंबर के लिए 12 नंबर के द्वारा वहां पर बेहतरीन रिलीज 3 नंबर के लिए 3 नंबर के द्वारा वहां पर हल्की पास जानते हैं यहां पर किसी तरह से गैलेक्सी बैटरी की टीम जो एक बढ़त बनाई है अब तक उसको किसी भी कीमत पर होना शायद यहाँ पर नहीं चाहेगी। और जहां तक देखा जाए तो यहाँ पर दोगुना उत्साह के साथ अपने ताकत को बरकरार रखे दूसरी गोल की यहाँ पर तैयारी करता हुआ लेकिन गोल साइलेंस से बाहर और यहाँ पर विकास जी का सिग्नल आई हुई कॉर्नर का तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर एक अच्छी कॉर्नर का अवसर प्राप्त करने में कामयाब रहा टीम। गैलेक्सी ब्यूटी की टीम कॉर्नर का सिग्नल यहाँ पर हल्की सी गोल के साथ ही कॉर्नर को समाप्त किए जहां तक देखा जाए तो अभी भी गोल को होल्ड में रखे हैं पर कौन से खिलाड़ी को दिया जाए तो ज्यादा बेटर है लेकिन जब तक ऊंचाई के साथ इस साइलेंस से बाहर जाती हुई मनीष लेदर के द्वारा इस समय 16 नंबर के लिए 14 नंबर के लिए बॉल को डाल दें 14 नंबर के प्लेयर वहां पर जब तक की बॉल को रोक पाते हैं डिफेंडर वहां पर तैनात है और बॉल साइलेंस से बाहर जाती हुई तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहां पर बिल्कुल भी वो ताकत है वो जुझारूपन है वो जुनून की कमी नजर आता हुआ मनीष लेदर के पास है। देखा जाए तो जब भी आपके ऊपर एक गोल हो जाती है तो आप तैयार रहते हैं वापसी करने के लिए शायद वो चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे लेकिन इस समय 17 नंबर के लिए मौका बन सकती है अपने टीम को समानांतर की स्थिति में लाने के लिए लेकिन थोड़ा वहां पर चूक और जहां डालने चाहते थे वहां पर डाल नहीं पाए लेकिन इस बीच के मैच समाप्त